गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं रेनू सरकारी मिडल स्कूल मानसा, जिला मानसा बरनाला, अज तुहानूं करा रही हाँ तारे ते सूरज जी परिवार। जिमें कि तुसी स्क्रीन ते ही देख रहे हैगे हो, ग्रह अपने ऑर्बिटल च चक्कर लगा रहे हैगे। यह हैगा सूरज ते सूरज दे परिवार दे मैंबर। कौन होणगे ग्रह सारे जिस ते असी रहने आ? धरती, यूरेनस, प्लेटू, ये सारे की है साढ़े परिवार के मैंबर हैं, तारे ते सूरजी परिवार। आओ असी एक गर्मिया की रात का दृश्य देखिए, आसमान का दृश्य देखते हैं तो सानू साफ रात नू तारे नज़र दिखाई देते हैं। बुझो ते पहेली एक दिन अपने शहर तो पिंड दे विच जाते हैं तो रात नू ओ आसमान नू देखते हैं। उस रात को आसमान बहुत ही क्लीयर सीगा, साफ सी, स्वच्छ सी। क्यों उसनू तारे ते होर ग्रह नज़र आए? क्योंकि आसमान का साफ होना, वातावरण प्रदूषण ना होना। तो पिंड दे विच जो आसमान बहुत सोहना दिखाई दे रहा सी, उस करके उन्होंने पूजो ते पहेली नू तारे वधिया नज़र टिमटिमांदे नज़र आए। तो उस दे नाल उन्होंने गर्मी की रात के समय आसमान साफ होन करके तारे ते ग्रह भी नज़र आ रहे सन। ते आओ असी पढ़ते हाँ, देखते हाँ, कुछ तारे बहुत टिमटिमांदे हैगे है ते ग्रह नहीं टिमटिमांदे। जिहड़े टिमटिमांदे आ तारे हुंदे आ। तारे बेशक ग्रहां तो दूर होन करके यह की है टिमटिमांदे नज़र आते हैं। तो ये रात का दृश्य अस देख के पहेली ते बूझो नू प्यारे विद्यार्थियों बड़ी जागसा हुई कि असी होर जानिए तारे ते सूरजी परिवार दे बारे। आओ असी सारे मिलके असी इस प्रेजेंटेशन राही देखते हैगे हाँ कि तारे ते सूरजी परिवार दे बारे। सब नू पता है कि धरती एक चक्कर सूरज दे दुआले अपने ऑर्बिटल च घूमती है ते एक दिन 24 घंटे का हुंदा है। ते ये अपने ऑर्बिटल दे विच एक चक्कर पूरा करने लई 24 घंटे लगांदी है। तो इसनू धरती दी गति कहांगे। और तुसी चन्न दियां कलावां भी देख सकते हैगे हो। पूर्णमाशी दी रात नू चंद्रमा पूरा नज़र आंदा हैगा। तो चंद्रमा दियां कलावां कदे घटदियां कदे वधदियां। जदों चंद्रमा नहीं नज़र आंदा, चन्न नहीं नज़र आंदा, तो उस रात नू मस्या कहा जांदा है। और जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई दिंदा है उसनू असी पूर्णमाशी कहने हाँ। तो यह चंद्रमा दियां कलावां हन। ये कलावां किवें बनदियां हन? यह धरती सब सूरज दे दुआले घूमदी है अपने चक्राकार पथ दे विच, जिसनू ऑर्बिटल कहा जांदा है। और चंद धरती दे दुआले घूमदा है। इस दे विच असी देख सकते हाँ कि जिन्ने हिस्से ते सूरज का प्रकाश पैंदा, चन्न का अपना प्रकाश नहीं हुंदा। यह धरती जो प्रकाश सूरज के प्रकाश को परावर्तित करती है, धरती वो जिहड़ा प्रकाश चन्न उत्ते पएगा उन्ना हिस्सा चन्न का दिखाई देगा। जिवें आहा इस दिखाया चन्न उत्ते जिन्ना धरती तो रिफलैक्ट होके परावर्तित होके प्रकाश पैंदा हैगा, तो उहदे नाल ही चन्न दियां कलावां बनदियां हन। आहा पहला नवा चंद अद्धा, फिर ठीक है पूरा पूर्णमाशी वाले दिन, और तुसी चन्न दियां इदां कलावां बनदियां हन देख सकते हैं। ते दन हैगा चन्न दियां कलावां किवें बनदियां हन? धरती सूरज दे दुआले घूमदी है और चन्न धरती दे दुआले जिन्ने हिस्से ते सूरज की रोशनी पैंदी है उस हिस्से ते चानन हो जाता है। और चन्न जिहड़ा हैगा धरती तो प्रकाश ग्रहण करता है। इस तरह सानू चन्न दियां कलावां नज़र आंदियां हन। इस च भी असी दिखाया कि धरती दे दुआले चन्न जिहड़ा हैगा उहदा कुदरती उपग्रह हैगा। चन्न जिहड़े ऑर्बिटल च घूमदा उहनू लूनर ऑर्बिटल कहने आ, और धरती जिहड़े च घूमती हैगी उहनू धरती दा ऑर्बिटल कहने आ। इस तरह तुसी देख सकते हो कि धरती अपने धुरे दे दुआले घूम रही है, चन्न धरती दे दुआले घूम रहा है। ठीक है, तो यह इन्हां दी घूमन गति दे करके चन्न दियां कलावां बनदियां हन।
कोई मनुख धरती ते खड़ा हैगा जिस हिस्से ते रोशनी पएगी उत्थे की है दिन होएगा, जिस हिस्से ते सूरज दी रोशनी नहीं पैंदी उस हिस्से ते की हुंदी है रात हुंदी हैगी है। तां इदां चन्न दीआं कलावां बनदीआं हन। सब तो पहलां चंद्रमा दी सतह ते नील ऑरेंज स्टॉर्म ने पैर रखिया, वह एक स्पेस शटल दे थ्रू चन्न दी धरती ते लैंड किया ते असी उन्हां दे उत्थे पहुंचन ते उस तो बाद एडविन अल्डरिन ने चन्न दी सतह ते पैर रखिया। तो सब तो पहला पुलाड़ यात्री जिसने चन्न दी सतह ते अपना पैर रखिया वह कौन सीगा? नील ऑंग स्ट्रॉम। ठीक है, कुछ झलकियाँ हैगियाँ जिदे विच नील ऑंग स्ट्रॉम दे बारे दिखाया गया कि उसने सब तो पहली बारी चन्न दी सतह ते पैर रखिया। और जड़ा कुत्ता चन्न दी सतह ते गया उसका नाम की सी? लाइका। लाइका नाम का डॉग भी गया सीगा चन्न दी सतह ते। आओ असी सूरजी परिवार ते तारियां दे बारे होर जानिए। किवें जान सकते हाँ असी? एक खेड राही। ठीक है, एक बच्चे नू असी सेंटर च खड़ा करके सूरज ते बाकी सारे ग्रह बन के उन्हां दे आले दुआले घूमांगे। तो इस लैसन दे विच असी अठवीं क्लास का लैसन नंबर 17 तारे ते सूरजी परिवार, असी सूरजी परिवार दे बारे जानते हाँ। असी देखते हाँ कि सूरज दे आले दुआले एक निश्चित चक्राकार पथ हन जिन्हां नू ऑर्बिटल कहा जाता है। सारे ग्रह अपने एक निश्चित पथ ते घूमते हैं, ऑर्बिटल च घूमते हैं। सब तो नेड़े दा ग्रह मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, यूपीटर सब तो वड्डा नज़र आ रहा हैगा शनि दे। सैचुरन दे साइडां ते रिंग्स हैगे है, फिर यूरेनस ते नैपचून। तो ये अठ ग्रह जिहड़े हैगे है, यू कैन से प्लैनेट्स दे आर दी पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम सन इनकलूडिंग दीज पार्ट्स। जिहड़े धरती तो अंदर अंदर हैगे आ उन्हां नूं असी की कहने हैगे आ? अंदरले ग्रह। ते जिहड़े धरती तो बाहर हैगे आ जिवें मार्स, यूपीटर, सैचुरन, यूरेनस, इन्हां नूं बाहरले ग्रह कहने हैगे आ। धरती एक नीला ग्रह है क्योंकि इसकी सतह ते पानी हुंदा है। मंगल लाल रंग दा है, इस करके इसनूं इसकी मिट्टी लाल रंग दी है, इसनूं असी की कहने आ? लाल ग्रह भी कह सकते हैं। सब तो वड्डा ग्रह की हो गया? यूपीटर। और शनि ग्रह दे साइडां ते रिंग्स हन। ठीक, सब तो नेड़े दा छोटा मरकरी और सब तो दूर दा ग्रह नैपच्यून। इन्हां विच्चों सिर्फ धरती ते ही लाइफ पॉसीबल है। धरती ते लाइफ क्यों पॉसीबल है? उचित तापमान, ऑक्सीजन, वातावरण, वायुमंडल, पानी दी होण दे करके धरती ते ही सिर्फ लाइफ पॉसीबल हैगा। ये साडा सूरजी परिवार, यह जो सूरजी मंडल हैगा ये साडी एंड्रोमेंड्रा मिल्की गलैक्सी का एक हिस्सा हैगा जिसनों एंड्रोमेंड्रा गलैक्सी कहा जाता है, जां मिल्की वे गलैक्सी का एक पार्ट हैगा। धरती का सब तो नेड़े का तारा अल्फा सेंचुरी हैगा। ठीक है, जिहड़ा कि धरती के बिल्कुल नेड़े का तारा कह सकते हो ग्रह। और सूरज के सब तो नेड़े का तारा केड़ा हैगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिहड़ा कि 4 प्रकाश साल दूर हैगा धरती तो। हाउ फार अवे इज लाइट ईयर, मतलब इन्ने 4 लाइट ईयर ठीक है दूर हैगा उदा सन का नियरेस्ट स्टार केड़ा हैगा? प्रोक्सिमा सेंटरी। असी इस दिखाया हैगा कि चन्न धरती का कुदरती उपग्रह सैटेलाइट है और चंद्रमा के भी अगे चन्न के भी सैटेलाइट्स हैगे है। ठीक है, ये इस चित्र तुसी इदा देख सकते हो। तो हुण लाइट ईयर की हुंदा? धरती ते चंद्रमा जां धरती ते सन दे विचकार दी दूरी नूं असी कादे नाल मापदे हैगे? लाइट ईयर दे नाल। इस नूं तुसी किवें कढ सकदे हैगे हो? वी इक्वल टू एस अपॉन टी, वेलोसिटी लाइट दी 3×10⁸ मीटर पर सकिंट इंटू टाइम भर के एस दी वैल्यू कढ सकदे हो कि चंद्रमा ते धरती दे विचकारली दूरी जां तां इहनूं की है लाइट ईयर दे विच मापदे हैगे आ। एक लाइट ईयर किन्ने दे बराबर हुंदा है इह तुसीं कैलकुलेशनस करोंगे? किवें कैलकुलेशनस करांगे असी बेटा? एक लाइट ईयर किन्ने दे बराबर हुंदा है इस दीआं कैलकुलेशनस असी करके तुहानूं दिखांदे आ। वी इक्वल टू एस अपॉन टी, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸। ठीक, किन्ने धरती सूरज के दुआले किन्ना? 24 घंटे च 365 दिन।
ਠੀਕ ਹੈ 365 ਦਿਨ 60 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਈਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਆਪਣੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਅੱਧੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੇ 'ਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ ਜਾਂ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨ ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੈਸਟਰੀਅਲ ਇਕੁਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਕੁਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲੈਸਟਰੀਅਲ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ ਧੂਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਮਰਕਰੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪੱਥ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੱਥ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨੈਪਚੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀਨਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਨਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਬਲਿਊ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮਾਰਸ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਪੀਟਰ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਯੂਰੇਨਸ ਨੈਪਚੂਨ ਔਰ ਪਲੂਟੋ ਪਲੂਟੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐੱਮ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਦਰ ਜੀ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਐੱਮ ਤੋਂ ਮਰਕਰੀ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀਨਸ ਅਰਥ ਮਾਰਸ ਯੂਪੀਟਰ ਯੂਪੀਟਰ ਸੈਚੂਰਨ ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਦਰ ਜੀ ਸਨ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤੰਗ ਨੁਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੜਛੀ ਨੁਮਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕਸ ਟਾਈਪ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਤੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਟਾਈਪ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖੇਗਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
कई तरह दियाँ इदा इमेजनरी स्ट्रक्चर्स नज़र आदि जिन्हों के असी नाम रखे हुए हैं। इन्हों तारामंडल जा कॉन्सटेलेशनस कहने जिमें कैसपिया उर्सा मेजर उर्सा माइनर ठीक है। ये अलग अलग तारा झुंड जा कॉन्सटेलेशनस दिखाईया है। असी इन्हों एक एक करके पढ़ते हैं। आ सत्त तारिया का झुंड जो सानू गर्मियों की रात नज़र आता है क्लीयर आसमान दे विच इहदा नाम है सप्तरिशि क्योंकि सत्त तारिया का समूह है। बिग डिपर जा बीयर ग्रेट बीयर भी कहने उर्सा मेजर भी कहने हैगे। तुसी देख सकते हो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है कड़ची नुमा नज़र आता है। तो यदि जड़ी पूछ ते तीन तारे उन्हां दी सिद्ध दे विच की होएगा पोल स्टार होएगा ध्रुव तारा नज़र आता है। तो ध्रुव तारे की असी पोजिशन देख सकते हैं। और आसमान दे विच इदां तुहानूं ओरियोन नाम की तारामंडल समूह भी दिखाई दिंदा है। ये किवें एक शिकारी दे जिवें ठीक है उपर बॉडी पार्ट नूं ढकण लई शील्ड पाई हुंदी है कपड़े पाए हुंदे आ उहदी बैल्ट दे बिल्कुल सामने तीन तारे है। इन्हों की सेज च सानू केड़ा तारा नज़र आएगा सीरियस। सीरियस तारा जो है तारामंडल चो सब तो चमकीला तारा हुंदा है। यह कि तारामंडल केड़ा तारामंडल है ओरियन ओरियन तारामंडल। इस तो बिना तुसी देख सकते हो स्कॉर्पियो ठीक है। हाँ देखो स्कॉर्पियो की शेप बन रहे है। सारिया इमेजनरी है पुराने जमाने लोग जदों बाहर खुले समान च सोंदे सी तां उन्हां ने इदां इमेजिनेशन किया कि यह तारामंडल जा कॉन्सटेलेशनस बन रही हैं जिदे नाल असी वो दिशा का पता लगाते सी। और संध्या का तारा वीनस वीनस जो है मॉर्निंग स्टार के नाम से जाने जाता है। संध्या का तारा मॉर्निंग वेले यह किधर नज़र आएगा पूर्व च और ईवनिंग वेले पछम च ठीक है। इदा संध्या का तारा सानू नज़र आता वीनस इज द मॉर्निंग स्टार। तुसी गर्मिया सर्दिया तो स्प्रिंग तो फॉल सीजन च देख सकते हो कि ध्रुव तारा उत्थे स्थित है। पर हाँ सप्तरिशि अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है रात को आसमान के अलग अलग टाइम पर भी देख सकते हो जा अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग सीजन के अकॉर्डिंग तुसी ऑब्जर्व कर सकते हो। सर्दिया च ठीक है सप्तरिशि की पोजिशन आसमान च और गर्मियों च अलग अलग मौसम के पर ध्रुव तारा की है उत्थे ही नज़र आता है। इस तो बिना ऑर्बिटल्स ठीक है सारे ग्रह अपने ऑर्बिटल्स घूम रहे हैं। इस तो बिना मिट्टी के व्डे व्डे पिंड जले जिन्हों कह सकते हो तो वह भी उन्हों की भी बैल्ट हैगी। उस बैल्ट असी की कहने एस्टरॉयड बैल्ट जिहड़ी कि सूरज जा ग्रहों के पथ के विचकार घूम रही हैगी है जिवें यूरेनस ते सैचुरन के विचकार घूमदी है। उस मिट्टी के व्डे व्डे ठीक है कह सकते हो पिंड डले उन्हां दी एक परत। नीचे इधर चंद्रमा दियां कलावां भी दिखाईयां हैगियां। तुहानूं हर एक ग्रह दे अग्गे उपग्रह हुंदे हन ठीक है। दुबारा तुसीं एस्टरॉयड बैल्ट नूं देख सकते हैगे हो चंगी तरह जिहड़े हैगे ठीक है वड्डे वड्डे मिट्टी दे पार्टिकल्स। और इस तो अगे फिर एस्टरॉयड बैल्ट्स कि यह ऑर्बिटल्स के विचकार मिट्टी के बहुत सारे कण भी होंगे जिन्हों एस्टरॉयड कहते हैं। कई बार एस्टरॉयड धरती के वाजूमंडल के दाखिल हो जाते हैं जिथे भी ये डिगते हैं उत्थे वड्डी तबाही करते हैं। जिवें पिछले दिनों में खबर के आया कि धरती के उत्ते उल्का पिंड गिरिया एस्टरॉयड जिसके करके के लूनर लेक बनी और लूनर लेक का ठीक है रंग तब्दील हो गया सी पिंक हो गई सी। ते एस्टरॉयड जा उल्का पिंडां दे करके बहुत ज़्यादा तबाही हुंदी है जिथे भी ये डिगदे हन रगड़ दे करके गर्मी पैदा करदे हन ते उल्का पिंडां दी बारिश हुंदी हैगी है रेनफॉल हुंदा हैगा। बहुत सारे आ उल्का बारिश दिखाई हैगी है जदों उल्का पिंड धरती दे वाजूमंडल विच दाखल करदे हन हुंदे हन तां हवा दे नाल रगड़ खा के ओह की है इदां उल्का बारिश हो जाती है। पुछल तारा सब तो पहली बारी पुछल तारा 1876 के हर 76 साल के बाद पुछल तारा नज़र आता है। हेलेकोमेंट से टिंडल प्रभाव के करके प्रोड्यूस होंगे और धरती के वाजूमंडल के दाखिल हो रहा है सारा। यह भी तुसी कह सकते हो उल्का पिंड जड़ा है वाजूमंडल के रगड़ दे करके ये अग पैदा होंगी है।
और धरती दे आले दुआले असी कई आर्टिफिशियल बनौटी उपग्रह भी छड़े हुए है जिहड़े कि एक निश्चित पथ दे दुआले घूमते हैं। ये बनौटी उपग्रहों का की काम हैगा? ये कई तरह के बनौटी उपग्रह तुसी देख सकते हैगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिवें इनसैट ए कल्पना आर्यभट्टा सब तो पहला उपग्रह जो सीगा धरती दे वायुमंडल च दे आले दुआले घूम रहा से उहदा नाम की सी आर्यभट्टा। इन्हां सैटेलाइट्स दी दे करके जिहड़ा साडा इंटरनेट है टैलीकम्युनिकेशन वैदर फोरकास्टिंग सारा कम्युनिकेशन और सर्वे करना सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है जा रिमोट सेंसिंग कहने जिवें आ रिमोट सेंसिंग का असं दिखा रहे हैं सैटेलाइट के राही मैसेज आ रहा और साढ़े सारे इंटरनेट डिशा टीवी वायरलैस ये सारा ऑडियो विजुअल जिन्ना भी मास मीडिया है वह सारा दूर संचार के साधन सारे की है इंटरनेट राही चल रहे हैं। तो इन्होंने और जो तुम स्टडी कर रहे हैं एजुसैट राही वह भी सारी थोड़ी सैटेलाइट एजुसैट का मीनस ही की है सैटेलाइट के थ्रू स्टडी करना। और ये जड़े साढ़े सैटेलाइट है वह वैदर फोरकास्टिंग मौसम की भविखबाणी जानने भी हेल्प करते हैं। तो सानू पहला ही पता लग जाता है कि कितने सुनामी आनी है कितने भूचाल बारिश मानसून के पैटर्नस वगैरह मौसम की जानकारी जानने लिए असी और दूर संचार कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग इदा दे दिया गल्लां नूं जानने लिए असी सैटेलाइट की वरतों करते हैं। दिखाया एक जगह तो दूसरी जगह सिग्नल किवें सैटेलाइट राही पहुँचदा हैगा और धरती तो इलावा होर सारे जड़े प्लैनेट्स हैं ना मरकरी वीनस उन्होंने रोटेशन हैगी है। वीनस जड़ा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बाकी सारे ग्रह की है क्लॉकवाइज इन्हों की गति दिखाई है कोई भी क्लॉकवाइज घूमनगे के एंटी क्लॉकवाइज। दीज आर ऑल प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। मैं रेनू साइंस मिस्टर्स मिडल स्कूल जिला मानसा अति धन्यवादी हाँ थोड़ी इस वीडियो दे लई। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग मी। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन दी एजुकेशन ए लॉट।